और चलिए शुरुआत करते हैं बड़ बोले नेताजी के साथ। जी हाँ, चुनावी मौसम है, चुनावी सीजन है, तो लाजमी है कि नेताजी कुछ अलग दिखना चाहेंगे। अब इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े या कुछ भी कहना पड़े, ना तो मर्यादा देखी जाएगी और ना ही शब्द। कुछ ऐसा ही सिलसिला इन दिनों राजस्थान के रण में शुरू हो चुका है। बड़ बोलो के अजीबो गरीब बयानों पर ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आया आया चुनाव आया, बड़ बोलों को साथ लाया, कौन चोर कौन डकैत, राजनीति में कितने बकैत। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। उनके बाप दादा चोर थे, मनमोहन सिंह तक कांग्रेस के सब प्रधानमंत्री चोर थे, और चोर ही नहीं डकैत थे। चोर डकैत वो गिरा, वो महागिरा, वो अनपढ़ वो गवार, एक दूसरे के लिए उपाधियां। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, ये शब्द ही तो हैं राजनीति की उपाधियां। बस बोले जाओ और फिर छा जाओ, चुनावी सीजन है तो बड़बोले भी अपना ज्ञान बिखेरेंगे तो सही। तो तैयार रहिए, जैसे जैसे चुनाव पास आएंगे इनकी मधुर वाणी से ऐसे शब्द निकलते रहेंगे जिन्हें बोलकर इन्हें ऐसा लगता है मानो कोई बड़ी ज्ञान की बात बोल दी हो। देश के प्रधानमंत्री को चोर कहना, ये राहुल गांधी के बुद्धि का दिवालियापन है। राहुल गांधी को सोचना चाहिए, उनके बाप दादा चोर थे, मनमोहन सिंह तक कांग्रेस के सब प्रधानमंत्री चोर थे, और चोर ही नहीं डकैत थे। मनमोहन सिंह के राज में 10 लाख करोड़ के घोटाले हुए। एक देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष और दूसरा सत्ताधारी दल का विधायक, दोनों का क्या गया, ये तो बोलकर निकल गए और अपने अपने समर्थकों से अपनी तारीफ भी सुन गए। लेकिन ये जनता जनार्दन है साहब, इस तरह के ऊंचे बोल को अच्छी तरह जानती है। ये जनता जनार्दन है साहब, जो अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक पहुंचाने में समय नहीं लगाती। तो अपना ज्ञान अपनी जगह रखे और ऐसी मधुर वाणी ना बोले तो ही अच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।